जब मैं बात करता हूं मिसिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मीन की, तो मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि मिसिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मीन जब भी आएगा तो हमेशा हमें डायरेक्ट मेथड को यूज करना है। मिसिंग फ्रिक्वेंसी दो तरह की होती है, या तो एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी होंगी या दो मिसिंग फ्रिक्वेंसी होंगी, या तो F1 निकालना होगा या F1 और F2 दो निकालने होंगे। अगर एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी है तो 100% आपको क्वेश्चन में मीन गिवन मिलेगा, अगर दो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है तो आपको मीन भी मिलेगा और सिग्मा Fi यानी कि जिसको हम एन कहते हैं ये भी मिलेगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया कि ये क्लास और फ्रीक्वेंसीज दी हैं, क्लास इंटरवल दिया है 10 से 30, 30 से 50, ऐसे करते करते 130 तक, और फ्रीक्वेंसीज ये दी हैं। यहाँ पर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं, जिसका मतलब है मुझे दो चीजें मिलनी चाहिए, दोनों चीजें मुझे मिल गई हैं, मीन भी मिल गया और सिग्मा एफ आई मिल गया, लेकिन इसने सिग्मा एफ आई के सामने टोटल लिख दिया 50 है, मुझे अपने आप समझ लेना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कैसा भी आए, किसी भी वे में आए, हमें एक चीज करनी सिखाई गई है कि सबसे पहले लिखने का तरीका आप ऐसे करो कि सबसे पहले आपको एक टेबल जनरेट करनी है। ओके, और बहुत ध्यान से इसके अंदर हमें चीजें लिखनी है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो एक तो क्लास इंटरवल आएगा जो कि एक्सक्लूसिव होना चाहिए और वो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है, फिर एक क्लास मार्क आएगा जो कि क्लास मार्क हमें मिड वैल्यू होती है, फिर इसके बाद सिंपली एक फ्रीक्वेंसी आएगी। तो देखो यहाँ पे तो आएगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, यही होना चाहिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन मिलेगी वो होनी चाहिए, यहाँ पे क्लास मार्क मुझे निकालना है, फिर इसकी प्रोडक्ट निकालनी है। अब ये चीजें मैं निकालना शुरू कर देता हूं। चलिए पहला इंटरवल कितना है, 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 to 90, 90 to 110 एंड 110 to 130। अब फ्रीक्वेंसी को लिखते हुए आप जरा ध्यान से देखना मैं फ्रीक्वेंसी कैसे लिख रहा हूं। 5 8 स्पेस 20 स्पेस 2। अब आप कहेंगे सर आपने ये दो गायब कर दिए। हाँ गायब किए हैं, यहां पर F1 और F2 आना है क्योंकि मेरे पास यहाँ कलर पेन के ऑप्शन है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं एक ही पेन से लिखूंगा तो मैं F1 और F2 को यहां पे लिखूंगा, ये मेरा काम होना चाहिए। ठीक है, Xi इज द मिडल वैल्यू कैसे निकलता है, Xi इज अ क्लास मार्क, 10 और 30 में 20 का डिफरेंस है, 20 के हाफ होते हैं 10 और वो 10 इधर वाले सब नंबर में ऐड कर दो, 20 40 60 80 100 एंड 120, इनकी प्रोडक्ट 5 into 20 100, वेरी गुड, 8 into 40 320, इनकी प्रोडक्ट मैं अभी छोड़ देता हूं 1600, इसकी भी छोड़ देता हूं 240। क्यों छोड़ी, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास अभी डबल कलर है तो मैं इसको ऐसे यूज करूंगा, 60 F1 एंड 100 F2। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हम ये चीजें लिखते हैं, ये पहला प्रोसेस होता है कि हमने किस तरीके से इसको लिखा है, कैसे हमने टैग किया है, और सेकंड प्रोसेस हमारा स्टेप होता है कि इसके बाद हमें क्या लेना होता है। हर क्वेश्चन में कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन में हमें इसका सम निकालना ही निकालना है, ये और Fi Xi, ये दो सम हमें चाहिए चाहिए। तो वैसे तो स्पेस होता तो मैं इसको नीचे लिखता, लेकिन स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिखूंगा कि सिग्मा एफ आई क्या आएगा। तो जरा निकालते हैं, 8 और 5 13 और 20 इसमें ऐड होंगे, 33 प्लस 2, तो आई थिंक बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि ये कितना आ गया, 35, 35 प्लस F1 प्लस F2,
और सिग्मा एफ आई एक्स आई भी देख लेते हैं। कोई बताएगा जल्दी से मुझे सम करके कितना आ रहा है, कोई आंसर करना चाहेगा? आपकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, कोई चैट बॉक्स में बताएगा मुझे, थोड़ा थोड़ा एक शॉर्ट करने का तरीका बता देता हूं। 320 और 100 जो कि 420 को 1600 में 2020 में हम ऐड करेंगे तो 2260। हर्षित गर्ग वेरी गुड, आपने आंसर किया है 2260 प्लस, लेकिन आपने पूरा नहीं किया 60F1 100F2। साथ में ये भी तो आएगा ना बेटा, तो 2260 नंबर का आंसर है और प्लस 60F1 प्लस 100F2 ये आ गया। शायद यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए वेरी गुड। अब आप ये देखिए कि आपने क्या ढूंढा और क्या पाया। आपको ये तो मिला था, सॉरी ये, कि इसका सम ये आएगा और ये आपने खुद निकाला, तो दोनों बात तो एक ही होनी चाहिए भाई। इसके अकॉर्डिंग तो ये है और आपके अकॉर्डिंग ये है, तो दोनों इक्वेट हो सकते हैं आपस में, तो आप इसे इक्वेट करेंगे। मैं स्पेस कम होने की वजह से इस सबको ऊपर लेके जा रहा हूं, जनरली ऐसा नहीं करना है, बट क्वेश्चन में स्पेस की कमी है इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। कभी आप सोचे कि ये पॉसिबल है ऐसा भी ले जाना, तो जरा देखिए। मैं कहता हूं कि जो ये 35 प्लस F1 प्लस F2 है, इट विल श्योरली इक्वल टू व्हाट? इट विल श्योरली इक्वल टू 50। और F1 प्लस F2 की वैल्यू वो 15 आ गई, ठीक है। अब मैं यहां आता हूं सिग्मा Fi Xi पर। सिग्मा Fi Xi आपको दिया है 2260 प्लस 60F1 प्लस 100F2। इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं है। जो छोटा है वो तो सेम रहेगा और जो बड़ा है वो स्प्लिट हो जाएगा छोटे वाले की टर्म में। यानी कि 50 होता तो 50 प्लस 50 करते, ये 40 होता तो ये 40 प्लस 60 करते, ये 10 होता तो इसे 10 प्लस 90 कर लेते। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि इन दोनों में एक टर्म कॉमन आ गई, सिग्मा एफ आई एक्स आई 2260 प्लस 60 कॉमन, अंदर आता है F1 प्लस F2 प्लस 40F2 और F1 प्लस F2 की वैल्यू मेरे पास क्लियर है, विच इज व्हाट 15। तो 15 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 900 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आप इसके अंदर 900 जब ऐड कर देंगे, 2260 प्लस 900 प्लस 40F2 सिग्मा एफ आई एक्स आई आप इसके अंदर जब 900 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 3160 प्लस 40F2। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है। प्लीज मुझे बताइए थ्रू चैट बॉक्स कि यहां तक सब क्लियर है क्या। चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से समझे तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को चेंज किया है। तो अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास वो वैल्यूज हैं जिनको मुझे अब एक्चुअली यूज करना है। एक तरह से अगर मैं कहूं कि ये क्वेश्चन ए है और सिग्मा एफ आई मेरे पास है ही ऑलरेडी 50, अब मैं मीन की वैल्यू यहां पुट करूंगा 65.6, इसकी वैल्यू पुट करूंगा 3160 प्लस 40F2 अपॉन। अब आप कहेंगे सर सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये भी है ये भी है, मैं क्यों इतनी बड़ी मुसीबत को लूंगा, मैं तो बेटा ये लूंगा आराम से अपॉन 50। जल्दी से मुझे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके बताइए, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3160 प्लस 40F2
और इसकी इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आपस में 65.6 की 50 से, देव शर्मा ने आंसर दिया है 3280। अब 40F2 इज इक्वल टू 3280 में से 3160 माइनस कर दीजिए प्लीज, तो F2 आपका आ गया 3। F2 हमारा 3 आ गया। और ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे कि इफ F2 इज 3 तो डेफिनेटली आप F1 निकाल देंगे, F1 कितना आ जाएगा 12। शायद यहां तक सब बच्चों को अब क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए थैंक यू। ये